हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 22 अक्टूबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ और जितने भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक टॉपिक डिस्कस किया गया है, वो है हेट स्पीच को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच या आप किसी भी कम्युनिटी, किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई भी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जो कि एक तरीके से नफरत फैलाने वाला होता है या उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाला होता है, इस कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्शन दी गई है कि सबसे पहले जितने भी ऑफिसर हैं, पहली बात तो आपको वेट नहीं करना कि कोई एफआईआर फाइल करेगा तब आप केस रजिस्टर करेंगे। आप कंप्लेंट फिल करिए बिना किसी हेजिटेशन के और बिना किसी वेट के। और सेकेंड, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन दिया कि अगर आप फाइल नहीं करते केस को, एफआईआर को, तब डेफिनेटली आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो कंटिन्यू की जाएगी, यानी आपने कोर्ट के आदेश की अवमानना करी है। देखो, हेट स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जिसको किसी लॉ के द्वारा डिफाइन नहीं किया गया और काफ़ी डिबेट है कि हेट स्पीच में आप किन चीज़ों को डिफाइन करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सेकेंड, अगर आप देखेंगे हेट स्पीच के को लेकर कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आईपीसी के वेरियस सेक्शन के थ्रू जो है इसको डील किया जाता है। रिसेंट में आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल भी इंडिया में आए थे, उन्होंने भी इसी चीज़ को लेकर काफ़ी फोकस किया था कि हमें जितने भी हेट स्पीच है, खासकर किसी रिलीजन को टारगेट करते हुए, किसी कम्युनिटी, किसी व्यक्ति, किसी जेंडर और इनको टारगेट करते हुए जो स्पीच दिए जाते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में इमीडिएट और बिना किसी वेट के जो एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट, वही सेम चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई है। और अगेन, ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ किया गया है, श्यो मोटो, यानी आपको कोई वेट नहीं करना कि कोई आएगा एफआईआर फाइल करेगा, नहीं, आप सेल्फ डायरेक्शन लीजिए और इस केस, इस मामले में जो है वो एफआईआर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो इंडिकेशन करिए। इसके बाद यहाँ पर ये मेंशन किया गया कि यहाँ पर इस चीज़ को भी इंडिकेशन किया गया कि जो भी हेट स्पीच देने वाला है उसका रिलीजन कोई भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट है अगर उसने किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट दी है उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है देश के सेकुलर करेक्टर को प्रिजर्व करने के लिए। और इसमें कुछ स्टेट की पुलिस को क्लियर कट डायरेक्शन दिए गए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनको, कि आपको तो इमीडिएट एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट अगर इस तरह की किसी जो। और यहाँ पर ये बताया गया, बहुत ही क्लियर कट हमारा मैसेज है, लाउड एंड क्लियर, हम बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है इसको लेकर इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट है, कोई भी इसमें फर्दर डिले जो है वो नहीं होना चाहिए। बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी हेट स्पीच को लेकर, और आने वाले टाइम में मे भी हेट स्पीच को लेकर पार्लियामेंट में कोई लॉ भी बने जिसके ऊपर काफ़ी डिबेट होगी। ये जो टॉपिक है ना, एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि सबसे पहले हमें हेट स्पीच है एग्जैक्टली है क्या, इसको डिफाइन करना पड़ेगा विद लॉ, क्योंकि कानून नहीं होता तो फिर आईपीसी के बहुत सारे सेक्शन जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और क्लियर कट डायरेक्शन नहीं होता कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, किन किन, अगर आप कोई चीज़ बोलते हैं तो उस पर आपके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या सज़ा हो सकती है, वो सारी चीज़ें। इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कई दिनों से न्यूज़ में, जो कि है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और पाकिस्तान की अभी तक इसमें ग्रे लिस्ट में था 2018 से 2022 तक, इसे पहले भी रहा है, तो उनको बाहर कर दिया गया है। देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बेसिकली क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पर मेंशन किया गया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, यानी इनके ऊपर एक नज़र रखता है, यानी आप टेरर फंडिंग करते हैं या ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इलीगल तरीके से, इलिसिट तरीके से आप पैसा जनरेट करते हैं, उनके ऊपर एक नज़र रखता है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत सारे क्राइम्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, करप्शन, टेररिज्म, इलीगल ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दूसरे जितने भी क्राइम्स होते हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर के 200 कंट्रीज़ के को लेकर यहाँ पर जुडिक्शन होगा। लेकिन इसमें जब मेंबर स्टेट की बात करते हैं तो टोटल 39 मेंबर स्टेट आते हैं, जिसमें 37 कंट्री है और दो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अगर आप इंडिया की नेबरिंग कंट्री के बारे में बात करते हैं तो इंडिया, इसके ठीक इसके अलावा चाइना, इसकी मेंबर कंट्री में आपको नज़र आएगी। मोस्टली आप देखेंगे इसमें यूरोपियन कंट्री या वेस्टर्न कंट्री ही, उनकी प्रेजेंस सबसे ज़्यादा आपको इस पूरे सिनेरियो में नज़र आती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इसमें बेसिकली होता क्या है,
ग्रे लिस्ट एग्जैक्टली कोई वर्ड नहीं यूज किया जाता एफएटीएफ के द्वारा, एक वर्ड यूज किया जाता है इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। देखो किसी भी कंट्री के लिए अगर ये ग्रे लिस्ट या इंक्रीज मॉनिटरिंग वर्ड यूज किया गया तो उसके लिए दिक्कत ये होती है कि भाई उसको फंड जनरेट करने में, लोन लेने में, इन्वेस्टमेंट होने में काफ़ी दिक्कत आती है। और पाकिस्तान के सामने कई सारे चैलेंजेस थे। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे पाकिस्तान में 1/3 हिस्से के अंदर फ्लड हमें देखने को मिल रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में उनको इमिडिएट लोन की रिक्वायरमेंट थी। सेकेंड, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छे टर्म्स में नहीं है। इनका फॉरेक्स रिजर्व लगातार कम हो रहा है। जैसे श्रीलंका के अंदर हमने देखा कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस उसका सबसे बेस है कि इनका फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी हद तक कम हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान को टारगेट दिए गए थे कि आपको 34 टास्क करने हैं और वो इन्होंने कंप्लीट किए। इसके बाद इनको जो है इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। इस लिस्ट से बाहर निकालने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट के इस टाइम पे कुछ दिनों से जो रिलेशन इम्प्रूवमेंट हुए हैं ये एक बड़ा फैक्टर है। इनके अलावा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसके बारे में पूछा गया तो भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आया कि क्रेडिबल, वेरीफिएबल और इरिवर्सिबल और सस्टेनेबल, इस तरह के वर्ड यूज़ किए गए। ये एक्शन कंटिन्यू लेने पड़ेंगे और अपनी सोइल को यानी पाकिस्तान की सोइल को टेरर ग्रुप के लिए यूज़ न होने दें, इसको लेकर एक्शन लेने पड़ेंगे। खैर ये स्टेटमेंट के और एग्जैक्टली क्या पाकिस्तान एग्जीक्यूशन करता है इनकी कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, इनको कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत फॉर्मल सी नज़र आती है। एग्जैक्टली पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे रिसेंट में घटना हुई थी, पाकिस्तान द्वारा जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है वहाँ के कोई मिनिस्ट्री इन्होंने बना रखे हैं, उनको टेररिस्ट ने डिटेन कर लिया था। टेररिज्म क्या होता है उससे डायरेक्शन मिलता है। इसके अलावा इसके ठीक राइट हैंड साइड में भी पाकिस्तान के बारे में ही न्यूज़ है। हालांकि ये न्यूज़ डिस्कस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए सवाल हो सकता है, बट पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर तो क्वेश्चन है ही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर भी बहुत पहले से क्वेश्चन रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर सवाल आता है तो मिलिट्री टेक ओवर कर देती है। इसके अलावा जब भी हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की तो पाकिस्तान में अजीबोगरीब डेमोक्रेसी में एक वर्ड यूज़ करता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीफ इस टाइम पे ओपोनेंट है इमरान खान की, जो तहरीक इंसाफ पार्टी है, यहाँ पर इमरान खान को बाहर कर दिया इलेक्शन से कि आपके अगेंस्ट तो करप्शन चार्ज है, आपने बहुत ज़्यादा करप्शन किए हैं, गिफ्ट लिए जब आप एक तरीके से पावर के अंदर थे, इनके अलावा करप्ट प्रैक्टिसेज के अंदर इन्वॉल्व थे। हालांकि इन्होंने कहा कि हम आने वाले टाइम में हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या फिर हाई कोर्ट्स हो या जुडिशरी हो, इनकी इंडिपेंडेंसी को लेकर भी कई सारे सवाल है। इसके ठीक नीचे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया गया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीटी एक्ट के थ्रू बनाया गया था, दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर था। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे राइट टू एनवायरनमेंट अंडर आर्टिकल 21, वहाँ पर भी मेंशन किया गया था। मेजरली इसको जब बनाया गया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को, इसका मेन फंक्शन था कि जितने भी एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉज है उसमें सुप्रीम कोर्ट के बर्डन को थोड़ा रिड्यूस किया जाए और टारगेटेड ये फोकस करें। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के सामने केस आया कि उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क में से एक है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में टाइगर भी है, राइट। जब आप हैबिटेट प्रोटेक्शन की अगर हम बात करते हैं, आप लगातार अगर आप देखेंगे किसी भी फॉरेस्ट रिजर्व में, किसी भी टाइगर नेशनल पार्क में इम्पॉर्टेंट है ट्री। और ये जो स्टेट है, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो, ये बहुत ही सेंसिटिव हैं एक तरीके से इकोलॉजी को लेकर। और यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हम एक टाइगर सफारी बनाएंगे वहाँ पर, और उसके लिए लगभग 6,000 के आसपास आइडिया लगाया गया कि 6,000 ट्री जो उनको कट किया जाएगा। ये पूरा केस जाता है एनजीटी के सामने कि भाई अगर आप सफारी बना रहे इसकी वजह से इतने पेड़ काटे जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा ये लॉस होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि हम डायरेक्शन देते सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करें और इसको लेकर जो एलिगेशन लग रहे हैं उसके मामले में एक तरीके से आप इंक्वायर करें। हालांकि परमिशन जो 163 ट्री की थी, उसके बाद फिर हम रिपोर्ट आई प्रिलिमिनरी की, भाई 97 एक्स्ट्रा ट्री जो इसके लिए कट किए गए। अगर 6,000 ट्री कट कर दिए जाएंगे तो ये नंबर बहुत बड़ा है और डेफिनेटली किसी भी टाइगर रिजर्व, किसी भी नेशनल पार्क के लिए
ये बहुत बड़ा हैबिटेट लॉस हो जाएगा अगर आप एक सफारी क्रिएट कर रहे हैं, या अगर हम देखते हैं कि एक टाइगर रिजर्व के अंदर, क्योंकि टाइगर रिजर्व का जो एरिया होता है वो बहुत ही प्रोटेक्टेड होता है, और अगर आप वहाँ पर कोई भी इस तरह की चीज़ें क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आपको बड़ी संख्या में फॉरेस्ट कट करने पड़े, और उस स्टेट में जो कि इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव है, तो डेफिनेटली ये स्टेप को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड के अंदर केवल टाइगर रिजर्व को लेकर नहीं, जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रोजेक्ट आता है उसका भी काफ़ी प्रोटेस्ट होता है, क्योंकि उत्तराखंड में लोगों के मन में जो 2013 में जो 2013 या 2011 हुआ एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन केदारनाथ में जिस तरीके से जो ट्रेजिडी हुई उसका एक बड़ा रीजन माना जाता है कि भाई हमने इकोलॉजी के साथ छेड़खानी करी, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, उस कॉन्टेक्स्ट में इस तरह की घटनाएँ इन फ्यूचर ना हो, इसको लेकर लोग थोड़ा सा सेंसिटिव है। इसके ठीक अगर आप देखेंगे बिल्कुल नीचे लेफ्ट हैंड साइड में एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है, वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उन स्पीसीज़ में से एक जिसमें जिसकी जो संख्या है काफ़ी कम है, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। IUCN की जो रेड डेटा बुक होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब होता है इसकी पॉपुलेशन 150 से भी नीचे आ गई है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अब एक और ख़राब न्यूज़ आ रही है कि बहुत सारे ऐसे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, हो सकता है कि ये पाकिस्तान के अंदर चले गए हो। देखो भारत में भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर काफ़ी इश्यूज है, फॉर एग्जांपल हाई वोल्टेज वायर जो होते हैं उनको लेकर भी काफ़ी डिबेट होती है कि इन पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर जहां पर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहते हैं वहां पर क्या इनकी इनको लेकर एक तरीके से इन हाई वोल्टेज वायर की रिक्वायरमेंट है, या उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, ये अपने आप में क्वेश्चन है। इसके अलावा अभी जो डिबेट है कि बड़ी संख्या में हो सकता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है पाकिस्तान का जो चोलिस्तान डेजर्ट है, या जो राजस्थान के लेफ्ट हैंड साइड में जो पंजाब और सिंध का एरिया पड़ेगा उस एरिया में हो सकता है कि चले गए हो। इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है डेजर्ट नेशनल पार्क, और यहाँ पर एक तरीके से इसकी प्रेजेंस आपको नज़र आएगी। रिसेंटली एक फोटोग्राफ और कुछ वीडियोज रिलीज किए गए थे पाकिस्तान के एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है सईद रिजवान महबूब इनके द्वारा, और हालांकि इन्होंने क्लेम नहीं किया कि ये इंडिया से आए हैं कि कहाँ से आए हैं, लेकिन अगर ये न्यूज है तो डेफिनेटली ये भारत के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है एक स्टेट बर्ड भी राजस्थान का, और कंसिडर किया जाता है भारत का मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया गया है। अगर गलती से भी अगर आप इसको अटैक करते हैं या इसको नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके ऊपर बहुत सख्त एक्शन जो है वो लिए जा सकते हैं। UPSC ने 2020 में एक सवाल पूछा था ग्रेट, अगर हम बात करते ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर ही, डेजर्ट नेशनल पार्क को लेकर, तो आप लोगों के लिए सवाल है, आपको इसको ऑब्जर्व करना है और नीचे कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सेट बी के अंदर 55 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो रेफरेंस टू इंडिया के डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में तीन स्टेटमेंट दी गई है। पहली बात, क्या ये दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्प्रेड है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, इसके अंदर कोई हैबिटेशन नहीं है, यानी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, ये स्टेटमेंट। और थर्ड, ये वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। इन तीनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होना चाहिए, ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके ठीक राइट हैंड साइड में CBI को लेकर एक न्यूज़ है। देखो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इस टाइम पे जो एकनाथ शिंदे लेड गवर्नमेंट है उन्होंने CBI को लेकर जो जनरल कंसेंट होती है, देखो हर एक स्टेट की परमिशन एक तरीके से परमिशन मिलती है। जनरल कंसेंट का मतलब है कि आप पर्टिकुलर एजेंसी को परमिट कर रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं इश्यूज़ को, या चीज़ों को केस रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर इंक्वायरी की जा सकती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में महाराष्ट्र में 2020 में जब सरकार थी उन्होंने जनरल कंसेंट वापस ले ली थी, अब यहाँ पर जनरल कंसेंट जो वापस इंडिकेशन किया गया था, इसका मतलब ये है कि जो प्रोब रिलेटेड केसेज होगी वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजेंसी कंटिन्यू कर सकती है। देखो CBI एक ऐसी एजेंसी जिसका सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है कि सरकार मिसयूज़ कर रही है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पपेट है गवर्नमेंट का। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, चाहे कांग्रेस हो, BJP हो, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब भी कोई केस होता है, जब भी कोई इशू होता है, तब हमेशा डिमांड होती है CBI इंक्वायरी की। तो भले ही कितने भी क्वेश्चन हो, भले ही क्रेडिबिलिटी को लेकर क्वेश्चन हो, लेकिन एक चीज़ जो श्योर है कि भाई इसको लेकर लोगों का ट्रस्ट भी है,
पॉलिटिकल पार्टी भले ही इसका क्रिटिसिज्म करती हो, लेकिन इसका इसके फेवर में यानी इंक्वायरी बीसीए एजेंसी चाहते, क्योंकि थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप का इशू रहता है। और हालांकि पॉलिटिकली स्टेटमेंट डेफिनेट सी बात, जब भी आप स्टेप लेते हैं, आप प्रीवियस गवर्नमेंट के डिसीजन को रिवर्स करते हैं तो क्वेश्चन होते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट है कि जनरल कंसेंट की अपनी इम्पोर्टेंस है सीबीआई के मामले में, कि सीबीआई जो फंक्शन करेगी या केसेस को इन्वेस्टिगेशन करेगी उसको लेकर पर्टिकुलर स्टेट का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट पुलिस का, गवर्नमेंट का, इन सब की एक तरीके से सपोर्ट के बिना कोई भी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली इंडिकेशन नहीं कर सकती। इसके बाद हम लोग जाएंगे एडिटोरियल पार्ट में और एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पेज नंबर 8 पर एडिटोरियल है, क्योंकि सैटरडे है, सैटरडे को केवल एक ही पेज पर एडिटोरियल आते हैं। एडिटोरियल में 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक आर्टिकल डिस्कस किया गया है, जो आर्टिकल टारगेट करता है रशियन में ब्रिटेन या यूके की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, इसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं यूके पर और उनके रेजिग्नेशन के क्या मायने हैं ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए, इसको लेकर ये डिस्कस किया जाता है। इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक टॉपिक डिस्कस किया गया है चिल्ड्रन के वो सेव करने को लेकर, बेसिकली चाइल्ड पोर्नोग्राफी और उसको लेकर किस तरीके से स्टेप लिए गए इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया में, चाहे वो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो या फिर अगर हम बात करते हैं भारत में पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा क्या डिस्कस किया जाता है उसको लेकर। इसके अलावा इसके ठीक नीचे जो टाइटल दिया गया है, फ्रॉम द ग्रेट होल ए फोकस ऑन द PLA, रिसेंट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो कांग्रेस या 5 साल में जो इम्पोर्टेंट सेशन हो रहा है उसके अंदर PLA यानी पीपल लिबरेशन आर्मी या चाइना की जो आर्मी है उसको लेकर क्या फोकस किया गया है और इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं, तो इसको लेकर ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में थ्रो चोपी सीज करके जो टाइटल दिया गया है, यहाँ पर मैं टाइटल के बारे में या इसके बेसिकली वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रहा हूँ, कंसेप्ट क्या है इस पूरे सिनेरियो का या क्या इसमें कहना चाहता है एग्जैक्टली, इसकी समराइज फॉर्म में क्या हम डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम की जो प्राइम मिनिस्टर है लिज ट्रस, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और उनका रेजिग्नेशन ब्रिटेन के लोगों के लिए क्या चीज़ें क्रिएट करेगा, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर आज के टाइम पे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छे नहीं है, लगातार कमज़ोर हो रही है, लगातार जो है वो डिट्रेट हो रही है। इसके अलावा लेकिन क्या उनके रेजिग्नेशन से इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, उसका आंसर है फिलहाल नहीं, क्योंकि 45 दिन की इनकी सरकार रही, 45 दिन में इनके ऑर्डर ने बहुत ही डिजास्ट्रियस क्रिएट किए और इनकी खुद की जो पॉलिटिकल पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी इनके सामने भी कई सारे सवाल इंडिकेशन किए गए। स्टार्ट होते हैं सितंबर 23 में जब इन्होंने मिनी बजट लॉन्च किया और मिनी बजट में इन्होंने कहा कि हम लोग टैक्स को कट करेंगे 45 बिलियन पाउंड स्टार्लिंग में। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद एक क्राइसिस क्रिएट हो गया, पहली बात तो ब्रिटेन की जो करेंसी है वो लगातार डाउनफॉल होने शुरू होगी क्योंकि एज कम्पेयर टू डॉलर, और इस क्राइसिस को रोकने के लिए इमरजेंसी जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को आगे आना पड़ा उसको एक तरीके से इश्यू करने के लिए। और कंटिन्यू हालांकि इन्फ्लेशन डेफिनेटली वहां पर पीक पर है, अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास इन्फ्लेशन है, 40 सालों में ऐसी महंगाई फेस नहीं की होगी ब्रिटेन ने जो आज के टाइम पे कर रहा है। और अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, इन सब के प्राइस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एक तो विंटर के अंदर डिमांड ज़्यादा होती है, दूसरा सप्लाई बहुत कम है, इसलिए डिमांड अपने लेवल पर है, सप्लाई कम है, जब डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप होता है तो डेफिनेटली वो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इनके अलावा इन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर जिसको बोलते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी उनको हटा दिया कि भाई ये सारी चीज़ें आपकी वजह से हुई है, इस तरह के एलिगेशन हालांकि डायरेक्टली नहीं लगा लेकिन ऐसा इंडिकेशन किया गया। फिर कंटिन्यू डॉलर के कंपेयर में इनके जो पाउंड स्टार्लिंग उसकी वैल्यू कम हुई और इकोनॉमिक हार्डशिप जो ब्रिटेन फेस कर रहा है, देखो इकोनॉमिक हार्डशिप के पीछे एक बड़ी वजह होती है पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी भी होना। 2016 में जब इन्होंने डिसीजन लिया कि हम ब्रेग्जिट करेंगे या एक तरीके से यूरो जोन से बाहर निकलेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट के बाद अब तक इन्होंने कई सारे अप्रोक्सीमेटली 6 प्राइम मिनिस्टर जो है चेंज कर लिए हैं और आने वाले टाइम में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा इसको लेकर भी क्वेश्चन है। इन सब के अलावा यूके के सामने कई सारे चैलेंज हैं, पहली बात तो ये पहले दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, इंडिया ने इनको रिप्लेस कर दिया, अब इंडिया नंबर 5 पर आ गया। इसके अलावा ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी हो, रशिया का यूक्रेन इन्वेजन हो, और इन सब के अलावा जिस तरीके से हाउस होल्ड बिल्स यानी
एनर्जी क्राइसिस है, नेचुरल गैस को लेकर दिक्कत है, लगातार घरों के जो हाउस होल्ड बिल्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये ऐसा टाइम है जो ब्रिटेन के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हालांकि इनकी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि ठीक है अभी इलेक्शन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है 2025 तक, लेकिन इनकी पॉलिटिकल पार्टी की जो अगर आप सिनेरियो देखेंगे या अभी ओपिनियन पोल को देखेंगे तो ऐसा नज़र आता है कि लोग इनको क्लियरली एक तरीके से हटाना चाहते हैं और आने वाले टाइम में जो इनके ठीक ओपोजेंट है वो पार्टी की सरकार जो बना सकते हैं, लेबर पार्टी स्वीप कर सकती है। अब आने वाले टाइम में ऋषि सुनाक फिर से कैंडिडेट होंगे या बोरिस जॉनसन होंगे या कोई और होगा ये सवाल होंगे, लेकिन डेफिनेटली ट्रेड लिंक को रिस्टोर करना, सप्लाई साइड को लेकर रिजोल्व करना, इमिग्रेशन को लेकर रिवर्क करना और प्रोडक्टिविटी लेवल को यूके की इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट करना, ये बड़े सवाल है आज के टाइम पे यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी के सामने। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूके एक ऐसा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट करेगा। रिशन में यूक्रेन और रशिया का जो इम्पैक्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये केवल इनिशियल स्टेजेज है, आने वाले टाइम में अगर दुनिया की इकोनॉमी इस तरीके से कोलैप्स करना शुरू करी तो डेफिनेटली बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट हो जाएगा। और एज पर IMF की प्रेडिक्शन पूरी दुनिया के सामने एक रिसेशन जैसा फेज आने वाला है। यूरोपियन कंट्री की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, अमेरिका का डॉलर भले ही स्ट्रॉन्ग हो रहा हो लेकिन प्रेडिक्शन बहुत अच्छे नहीं, वहाँ की इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो रही है। भारत के लिए थोड़ा स्टेबलाइज न्यूज़ है लेकिन हमारे सामने भी लगातार प्रॉब्लम है, करेंसी की वैल्यू कम होना हो या फिर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट का लगातार इंक्रीज होना हो, ऑयल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होने की वजह से हमारा ऑयल इम्पोर्ट बिल ये लगातार बढ़ रहा है, और इन सब के अलावा इंडिया के अंदर भी इन्फ्लेशन खासकर रूरल इन्फ्लेशन ये पीक पर है, तो कई सारे सवाल पूरी दुनिया के सामने कि इस इन्फ्लेशन जैसी चीज़ को आप रोकोगे कैसे। और अगर आप इसी तरीके से सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रेपो रेट बढ़ाई गई तो एक ग्रोथ रेट को लेकर क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्रोथ रेट कैसे करेंगे अगर आप इसी तरीके से रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे। इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक आर्टिकल दिया गया है, एन ऑनलाइन फाइट वेयर चिल्ड्रन नीड टू बी सेव्ड, यानी एक ऐसी फाइट खासकर ऑनलाइन कॉन्टेक्स्ट में या डिजिटली फॉर्मेट में जिसमें बच्चों को सेव करना बहुत ज़रूरी है। देखो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया गया है, मैं बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ों पर टारगेट नहीं करता क्योंकि वो प्रैक्टिकली नहीं आपको ऑब्जर्व हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से डायरेक्टली इंडिकेशन करती है। जैसे यहाँ पर ही बताया गया कि लास्ट मंथ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पूरे देश के अंदर पैन इंडिया एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है मेघ चक्कर, और ये ऑपरेशन बेसिकली क्या था कि ऑनलाइन सर्कुलेशन जो होता है या शेयरिंग जो होती है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल को लेकर, बच्चों से रिलेटेड या चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड जितने भी मटेरियल कंटेंट होते हैं उनको काउंटर करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए CBI ने पैन इंडिया एक मूवमेंट चलाया। CBI ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इंटरपोल से सिंगापुर की स्पेशल यूनिट से इनपुट रिसीव हुए, और इसी तरीके से 2021 में भी हमने ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन कार्बन, ठीक है। न्यूजीलैंड से भी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें रिसीव हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी देखो चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सेंसिटिव है जिस पर बहुत कम डिस्कशन होता है, लेकिन इसमें ITAC 2000 के अंदर आपको बुक किया जा सकता है अगर आप इस तरह की एक्टिविटी या इस तरह के इलीगल क्राइम के अंदर कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व हो। इनके अलावा भारत के अंदर अडल्ट पोर्नोग्राफी की अगर हम बात करते हैं इसको प्राइवेट इंडिकेट किया जाता, ऑफेंस नहीं माना जाता, लेकिन ब्राउजिंग करना, डाउनलोडिंग करना, एक्सचेंज करना चाइल्ड पोर्नोग्राफी को तो ये डेफिनेटली ऑफेंसिव ऑफेंस है, पनिशेबल है। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जहाँ तक बात है तो इसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है कि थर्ड पार्टी डेटा को आपको शेयर करना है। इन सब के अलावा ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करना इंडिया की एनफोर्समेंट एजेंसी के मामले में ये लार्जली डिपेंड करता है कि फॉरेन एजेंसी किस तरीके से इनपुट प्रोवाइड करती है, जैसे इंटरपोल की सिंगापुर यूनिट ने हमें कुछ इनपुट दिए। इन सब के अलावा यहाँ पर कुछ अमेरिकन और ब्रिटिश मॉडल के बारे में डिस्कस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, वो ऑपरेट करता है एक प्रोग्राम को जिसका नाम है साइबर टिप लाइन, पब्लिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर की तरह, जो बहुत सारे इश्यूज़ को जैसे सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन को लेकर चिल्ड्रन में जो सस्पेक्टेड केसेज हैं उनको रिपोर्ट करता है। इसके अलावा ISF जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इनको मैंडेटेड किया गया है कि आप आइडेंटिफाई करिए लोकेशन ऑफ इंडिविजुअल की जहां पर भी इस तरह के लोगों को वॉयलेशन किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट में
ये काफ़ी सक्सेसफुल एक तरीके से एनजीओ रहा है। इसी तरीके से यूके के अंदर इंटरनेट वॉच फाउंडेशन है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया है यूके की इंटरनल इंडस्ट्री के द्वारा, ताकि सेफ एंड ऑनलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, और ख़ासकर उस सिनेरियो में जहां पर चाइल्ड को के मामले में अगर हम बात करते हैं तो उसमें इंश्योर किया जाए कि शेयरिंग और इन सब चीज़ों को प्रिवेंट किया जाए। तो ये कुछ स्टेप है जो इन कंट्री के अंदर लिया गया। इनके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया में श्रेयस सिंगल 2015 की सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसमें 793B आईटी एक्ट का जो सेक्शन है उसमें आईएसपी के बारे में डिफाइन करता है कि भाई एक्चुअल नॉलेज अगर हम बात करते हैं तो उसमें इसको एक तरीके से इलीगल कंटेंट को डिसेबल करवा सकती है सरकार, रिमूव करा सकती है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि हर एक कंटेंट को अगर आप 1-to-1 स्कैन करेंगे तो वो उसको हटा पाना इवन प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन एक्सेस ही रोक दे वो एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है उनके ऊपर काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन उनको क्योंकि लाइव एग्जेम्प्ट किया गया है तो उनको लेकर भी कई सारे इशू है। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं कि पोर्नोग्राफी पर कंप्लीट बैन को लेकर अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी कई सारे इश्यूज आते हैं कि आप इसको बैन कर दीजिए मोरलिटी एंड डिसेंसी के नाम पर, आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो पिटीशन ये पेंडिंग है आने वाले टाइम में, लेट्स सी किसको लेकर क्या होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल सितंबर 2018 में लॉन्च किया था, जिसमें ऑनलाइन कंप्लेंट आप एक तरीके से दर्ज करवा सकते हैं। हालांकि उसके बाद इसका दायरा को ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया। राज्यसभा के अंदर एक कमेटी है जिसको हेड कर रहे हैं जयराम रमेश साहब, जो कि कांग्रेस के आई थिंक एमपी है, तो डेफिनेटली बात है इसीलिए वो राज्यसभा में है। इसके अलावा जनवरी 2020 के अंदर इन्होंने कहा कि ये जो इशू है खासकर सोशल मीडिया पर, ये अलार्मिंग इशू है और सोसाइटी पर इसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं, इसको लेकर हमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन पर काम करना पड़ेगा, और इसके अलावा इस तरह के जो कंटेंट है आईएसपी से रिक्वायर एक तरीके से हमें मैंडेटरी करना पड़ेगा कि इसको बंद किया जाए, इसको ब्लॉक किया जाए। इसके अलावा डार्क वेब एक बड़ा एक तरीके से माना जाता है, जैसे कई बार क्या करते हैं ये आने वाले टाइम में ये भी एक बड़ा मॉनेटरी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक तरीके से इलीगल तरीके से पैसा जनरेट करने के लिए, जैसे क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी या ऑनलाइन कंटेंट को ऐसे सेल करना हो, इस तरह की चीज़ें। और आने वाले टाइम में क्या किया जाता है, डेफिनेटली बात हम लोग बहुत सारी कंट्रीज़ में जो लॉज हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का एक प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें जहाँ पर चाइल्ड रिलेटेड राइट्स या चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोइशन रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं इनको हम लोग और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इंडिया में स्टेप लिए जा सकते हैं। और डेफिनेटली बात है जब जयराम रमेश साहब की जो कमेटी है उन्होंने जो रिकमेंडेशन करी है उनको लेकर प्रॉपर एंड डिटेल स्टडी होनी चाहिए, ताकि इंडिया में बच्चों के लिए सेफ और एक तरीके से क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके, और इस तरह के केसेस को लेकर हम जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उसको लेकर स्टेप उठाने पड़ेंगे, ताकि इस तरह की घटनाएं इंडिया के अंदर हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएँ। इसके बाद इसके ठीक नीचे जो आर्टिकल है, फ्रॉम द ग्रेट होल ए फोकस ऑन द PLA यानी पीपल लिबरेशन आर्मी, या आप सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं चाइनीज़ आर्मी। देखो रीशन में चाइना के अंदर प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है, उन्होंने एक संबोधन किया, एक स्पीच दिया कि चाइना के अंदर अगर हम बात करते हैं, उन्होंने स्पीच किया कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का जो एजेंडा है चाइना के अंदर अगले 5 साल में, वो अलग अलग एरिया के अंदर काम करना चाहते हैं, फ्रॉम इकोनॉमी एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी से लेकर ताइवान, इन सब एरिया में। लेकिन मेनली यहाँ पर डिस्कस किया गया कि चाइना की आर्मी की ऑब्जर्वेशन क्या है इस पूरे सिनेरियो को लेकर, तो इसी को टारगेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पॉलिसी अल्ट्रेशन और न्यूक्लियर एक्सपेंशन को लेकर डिस्कस किया गया कि हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे वन ऑफ द नोटिसेबल एस्पेक्ट अगर हम उनकी स्पीच की देखते हैं तो उन्होंने कहा कि पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक डिटरेंट होना चाहिए कैपेबिलिटी सिस्टम को लेकर, यानी अपनी पॉलिसी के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है, और न्यूक्लियर एक्सपेंशन को लेकर भी वो टारगेट करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इससे पहले के स्पीच में इस तरह के वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था, और चाइनीज पॉलिसी में न्यूक्लियर डिटरेंस की लेकर जो थिंकिंग है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें बदली है। और आने वाले टाइम में अगर हम देखेंगे इन्होंने एडवांस हाई लेवल की स्ट्रेटजिक डिटरेंस सिस्टम को बिल्टअप करने को लेकर काम किया है। चाइना ने 250 मिसाइल सिलो जो है वो डेवलप करे हैं, और चाइना जो है अपने मिलिट्री वारहेड को भी
आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं 350 के आसपास है, आने वाले 10 साल में इसको डबल करने के बारे में सोच रहा है। तो ये डेफिनेट सी बात है, जब भी आपके नेबरिंग कंट्री में न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है वो अगर अपने एक तरीके से वारहेड को लगातार इंक्रीज़ कर रहा है तो ये भारत के लिए भी एक क्वेश्चन है। इसके अलावा क्योंकि डेफिनेट सी बात है आपका इमीडिएट नेबर जिसके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे टर्म्स में नहीं है, वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन का जो या वारहेड का जो नंबर इंक्रीज होना ये बड़ा सवाल है। इनके अलावा यहाँ पर अगर हम देखेंगे चाइना के अंदर अलग अलग तरीके से चेंजेज हो रहे हैं। पहले फेज़ में हमने देखा स्ट्रक्चरल और ब्यूरोक्रेटिक चेंजेज हुए, अब इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने आने वाले टाइम में फॉर एग्जांपल वर्ल्ड क्लास स्टेटस हासिल करना है, मिलिट्री एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं, ये सारे चीज़ें आने वाले टाइम में अगले 5 सालों में इनके ऊपर फोकस रहेगा। इसके अलावा PLA ट्रेनिंग और लॉयलिटी पर काफ़ी काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इनकी अगर आप देखेंगे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने गाइडलाइंस रिलीज करी थी कि जॉइंट ऑपरेशन कैसे करना है, इंटीग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशन कैसे करना है। आज के टाइम पे जो नए एक तरीके से थ्रीट है उस बदलते एनवायरनमेंट में आप कैसे टेकल करेंगे चीज़ों को, उसको लेकर काम करना। इसके अलावा प्रीवियस रिपोर्ट के अंदर अगर हम देखते हैं जो माओ जेडोंग इनके फाउंडिंग फादर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पावर जो होती है उसके का होना वो तभी स्टेबल होगा जब आपके पास गन की पावर भी हो। यहाँ पर बहुत सिंपल सा इशारा है कि जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जैसे शी जिनपिंग है, उनका मिलिट्री पर भी होल्ड उसी तरीके से होना चाहिए, यानी विक्ट्री हासिल आप तभी कर पाएंगे जब आप एक तरीके से होल्ड करेंगे। इसके अलावा आइडियोलॉजिकल वीकनेस, करप्शन, इन सब एरिया को टारगेट किया जाएगा। पहले भी लगातार ये काम कर रहे हैं उसको लेकर, और आने वाले टाइम में एक हाई डिसिप्लिन हो आर्मी के अंदर और एक ह्यूज कंट्रोल हो चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी या शी जिनपिंग का। इसके अलावा यहाँ पर लोकल वार को विन करने को लेकर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनका अगर आप देखेंगे ताइवान, साउथ चाइना सी, इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट, इन सब के अलावा ये लगातार छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतने को लेकर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। मिड एयर, मिड सी रिफ्यूलिंग को लेकर काम कर रहे हैं, वेजल को कमीशन करने को लेकर काम कर रहे हैं, और एयरक्राफ्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। इनके अलावा टेक्नोलॉजी या फिर फोर्सेज़ को मोबिलाइजेशन करना हो, बॉर्डर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बूस्टअप करना हो, या साइंटिफिक एडवांसेज जो होंगे कैपेबिलिटी को कम्बेट करने के मामले में, इन सब पर तो काम हो ही रहा है। लेकिन ओवरऑल चाइना ये चाहता है कि हम लोग डिफेंस के मामले में जब PLA को और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करेंगे एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और उसको दुनिया की नंबर वन आर्मी की तरह इंडिकेशन करना है, तो बहुत सारे स्टेप ये उठा रहे हैं। और जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात होगी, इंडिया के इमीडिएट नेबर है और भारत के बॉर्डर के आसपास अगर इस तरह की एक्टिविटी होगी तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन भी रेज होंगे और उसको लेकर भारत इस पूरे सिनेरियो पर नज़र रखेगा एग्जैक्टली चाइना किस तरह की एक्टिविटी को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद पेज नंबर 10 पे अगर हम बात करते हैं इंटरपोल का जो इम्पोर्टेंट सेशन इंडिया के अंदर हुआ, अप्रोक्सीमेटली 195 कंट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के अंदर है, और इसमें एंड में भारत के होम मिनिस्टर ने एक तरीके से कंक्लूजन वाली जो सेरेमनी होती है उसके अंदर संबोधित किया और कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की। फॉर एग्जांपल टेररिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस करता है इंडिया कि टेररिज्म जो है वर्स्ट फॉर्म है ह्यूमन राइट वायोलेशन का, इसको लेकर हमें काम करना पड़ेगा और इंटरपोल को काम करना चाहिए ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग को लेकर, खासकर काउंटर टेरर या एंटी नारकोटिक एजेंसी में, ताकि रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को लेकर काम किया जा सके। इनके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को लेकर टच किया कि भाई बैड टेररिज्म, गुड टेररिज्म, स्मॉल और बिग टेररिज्म, ये सारी चीज़ें बहुत ही वीक प्रायोरिटी है और हमें ओवरऑल एक टेररिज्म एक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा ताकि सस्टेन्ड कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूस एफर्ट जो है वो टेररिज्म के अगेंस्ट जो है वो लिया जा सके, खासकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट। और इनके अलावा बॉर्डर कोऑपरेशन के मामले में भी डिस्कस किया गया कि हमें इस पर काम करना पड़ेगा और रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर जो है वो डिस्कशन किया जाना चाहिए ताकि काउंटर टेररिज्म जो है वो किया जा सके। और डेफिनेटली बात अगले 50 सालों में 100 साल में हम लोग ऐसी चीज़ें स्टेबल एक तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट करें ताकि इस तरह की चीज़ें, खासकर जो पोल्यूट करती है एनवायरनमेंट को, किसी भी कंट्री को डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश करती है, उनके अगेंस्ट जो है वो और ज़्यादा सख्ती से निपटा जाए। और इनके अलावा हमें
रिव्यू करना पड़ेगा कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, क्या हम उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये कुछ सवाल है जिसके लेकर डेफिनेट सी बात आंसर किए जाने चाहिए। इसके बाद पेज नंबर 11 पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड दिया गया कि तेजस जो कि भारत का लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है, इंडिजीनियसली हमने स्वदेशी रूप से बनाया है, इसमें इंटीग्रेटेड की जाएगी ब्रह्मोस की NG का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन की जो मिसाइल है आने वाले कुछ सालों में। और ब्रह्मोस जो है वो एक सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब होता है स्पीड के हिसाब से इनको एक तरीके से डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मिसाइल 1 Mach का मतलब होता है साउंड के कंपेयर में जो स्पीड होती है एक तरीके से उसको मैक में काउंट किया जाता है। अगर ये 1 से कम है तो सबसोनिक, 1 से 5 के बीच में है तो सुपरसोनिक, और उसके बाद फिर आती है हाइपरसोनिक 5 से ऊपर जो कि बहुत ही खतरनाक है। क्रूज मिसाइल है और इसके अंदर बताया गया कि ब्रह्मोस NGN नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल को इंडिकेशन किया जाएगा। इसको लेकर NG डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस क्या होगा कि एक तो वेट इसका थोड़ा कम है जिसको जिस वजह से आप देखेंगे लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन किया जा सकता है, उसको एक तरीके से कैरी किया जा सकता है, 2 एटलीस्ट मिसाइल को कैरी कर सकती है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI इसके अंदर 4 मिसाइल कैरी की जा सकती है। इसके अलावा कहीं से भी अटैक लॉन्च किया जा सकता है, लैंड सी सबसी एयर कहीं पर भी आप टारगेट कर सकते हैं। अगर कोई एनिमी है या भारत की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के साथ कोई भी कंट्री, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इस तरह के वेपन जो है उनको टारगेट किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके ठीक राइट हैंड साइड में इंडिया ने टेस्ट किया अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को अग्नि। देखो दो तरह की मिसाइल होती है, एक होती है बैलिस्टिक, एक होती है क्रूज। इन दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में मैंने पहले ही बताया, और आने वाले टाइम में क्योंकि ये हर तीसरे दिन, हर पाँचवें दिन या 10-15 दिन में टॉपिक डिस्कस किया जाता है तो मैं इसको डिटेल में फिर से बताऊँगा ताकि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है उसके बारे में प्रॉपर ऑब्जर्वेशन हो। तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि इंडिया ने अग्नि प्राइम जो है उस मिसाइल को टेस्ट किया है। और इसके अलावा ये बताया गया अग्नि, वैसे तो 5 अग्नि है जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 5 जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन जो अग्नि प्राइम है ये बेसिकली इसकी रेंज की अगर हम बात करते हैं 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। अग्नि 1 और अग्नि 2 के आसपास आपको नज़र आएगा। इसके अलावा ये ट्रायल किया गया DRDO के द्वारा, कहाँ पर ये किया गया, अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि उड़ीसा के अंदर है वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया, इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद पेज नंबर 13 पे अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड अफेयर में दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर मेंशन किया गया कि चाइना लगातार फोकस कर रहा है अपने एक तरीके से ग्रीन डोमिनेंस को हासिल करने को लेकर, या इलेक्ट्रिकल या रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर फोकस कर रहा है। और इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया कि चाइना का प्लान है कि अगले 5 साल में हम एनर्जी में रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, और इन्होंने टारगेट भी किया कि 2060 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी जितना कार्बन एमिशन करेंगे उतना ही ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी भी हमारी होगी। इसके अलावा ये बताया कि हमारा जो एमिशन है 2030 तक पीक पर होगा, आने वाले टाइम में हम लोग एनर्जी कंजप्शन पर काम करेंगे फॉसिल फ्यूल्स को लेकर, खासकर इन सब के अलावा लगातार विंड, सोलर, वाटर, बायोमास, इन सब की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है या रिन्यूएबल एनर्जी, इनको लेकर काम किया जाएगा। और चाइना के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ग्रोथ डेफिनेटली इंक्रीज हुई है, देश में कोल के द्वारा जो एनर्जी कंजप्शन है वो कम हुआ है, और नॉन फॉसिल फ्यूल के थ्रू जो एनर्जी कंजप्शन है वो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। हालांकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की अगर हम बात करते हैं उसका प्रेजेंस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, खासकर डोमेस्टिक सेल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। वहाँ पर बड़ी कंपनी में अगर हम बात करते हैं तो टेस्ला एक्टिव है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट जो है उसको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ऑक्यूपेशन है। इनके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को लेकर, तो बताया गया कि 3.3 मिलियन चाइना की अगर हम बात करते हैं चाइना के अंदर कार की जो सेल और ट्रिपल हो गई है, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इटली के अंदर नए नए इलेक्शन हुए, तो उसके बारे में बताया गया कि जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म किया है। आप लोगों के लिए सेकेंड क्वेश्चन है, ये इटली का मैप है और इटली के मैप को ऑब्जर्व करिए, इटली की एक तो नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है इनको आप आइडेंटिफाई करिए, इसके अलावा
मेडिटेरियन सी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सी, जैसे टेरिनियन सी हो गया, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक सी है और एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल प्लेस देखने को मिलेगा। इनको आइडेंटिफाई करिए कि ये कौन कौन से हैं और उसके बाद नीचे कमेंट करिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बिजनेस सेक्शन या इकोनॉमी का जो पेज है उसमें केवल एक ही टॉपिक डिस्कस किया गया है, वो है ओपेक प्लस को लेकर। ओपेक प्लस का टारगेट है कि आने वाले टाइम में हम लोग एक स्टेबल मार्केट को पर फोकस करेंगे ऑयल आउटपुट कट के थ्रू, इस तरह की जानकारी सऊदी के मिनिस्टर ने दी है। देखो रिसेंट में ओपेक प्लस या नॉन ओपेक कंट्री, ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऐसी 13 इंपॉर्टेंट कंट्री जो ऑयल के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओपेक प्लस में सऊदी अरेबिया और एक तरीके से रशिया का एक एग्रीमेंट है, इन्होंने अभी डिसीजन लिया था कि ऑयल प्रोडक्शन का जो है उसको कम करना है, और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ऑयल प्रोडक्शन कम करने की वजह से ओवरऑल जो पर बैरल प्राइस है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। दुनिया भर की कंट्री चाहती थी कि भाई प्रोडक्शन जो कंटिन्यू रहे, लेकिन इन्होंने मार्केट डिमांड के हिसाब से कहा कि भाई हम ऑयल का प्रोडक्शन कम करेंगे। ओपेक प्लस कंट्री की अगर हम बात करते हैं, इनको कई बार बोला जाता है नॉन ओपेक कंट्री भी, जिसमें यहाँ पर अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान, ये कंट्री आपको देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों के लिए एक लास्ट क्वेश्चन के रूप में हम छोड़ें, तो हमने अभी पढ़ा था, जैसे अगर हम देखेंगे कि जो गल्फ FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री जो है मेंबर स्टेट है, ये आप नीचे कमेंट करिए। इसी के साथ आज के द हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। फिलहाल इसके अंदर इतना ही। थैंक यू ऑल। जय हिंद।